हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रमुख शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? क्या है जहांगीर का क्या अर्थ होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली व्यक्ति, सौभाग्यशाली व्यक्ति। नूरजहां, संसार में इसका कोई जोड़ा नहीं। नूरजहां का अर्थ होता है संसार में इसका कोई जोड़ा नहीं। जीन का अर्थ होता है विश्व विजेता, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ था जहांगीर का भी था विश्व विजेता, लेकिन यहाँ जैन धर्म से है, जो कि जीन का अर्थ होता है विश्व विजेता। निग्रंथ को बंधनहीन व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन व्यक्ति, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति या प्रबुद्ध भी बोला जाता है, जो कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अहर्थ का अर्थ होता है पूज्य या श्रेष्ठ, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थकर का अर्थ होता है जैन गुरु इसका अर्थ होता है। नाइक का अर्थ होता है बेहिसाब धर्म। क्या होता है? बेहिसाब धर्म। सर्वोदय का अर्थ होता है सर्वाधिक उत्थान, जिसे गरीबों का अधिक से अधिक विकास हो सके। सर्वोदय का यही अर्थ होता है। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। क्या होता है? एक और बंधन उत्पन्न होना। गांधी का अर्थ होता है पंसारी, जो कि गुजराती भाषा में बोला जाता है, और हिंदी में इसे इत्र या फुलेल बेचने वाला कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे इत्र या फुलेल बेचने वाला कहा जाता है। ये VVI है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। केसरिया का अर्थ क्या होता है? जागृति, शौर्य, त्याग या बलिदान। इसे चार नामों से जाना जाता है, जागृति, शौर्य, त्याग या बलिदान। सफेद का अर्थ होता है शांति, समर्पण और सच्चाई। क्या होता है? शांति, समर्पण और सच्चाई। जिस तरह से तिरंगा झंडा में तीन कलर होते हैं, उसी का प्रतीक बताया गया है कि केसरिया का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद का क्या होता है और हरा का क्या होता है। तो यहाँ दो का करवा दिए हैं हरा। अब आगे है हरा। हरा का क्या अर्थ होता है? समृद्धि और हरियाली होता है। फिर उसके जो बीच में चक्र होता है, उसका क्या अर्थ होता है? तो प्रगति और विकास इसका अर्थ होता है। टाइटन का अर्थ होता है समुद्री राक्षस। क्या होता है? समुद्री राक्षस। एबक को चांद कहा जाता है। एबक का अर्थ होता है चांद। और अर्ज का अर्थ होता है श्रेष्ठ या पुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या पुलीन। चलिए कुछ टेस्ट सेट बनाए हैं, आपको उसमें उसका आंसर देना होगा जो हम अभी आपको बताए हैं। पहला है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता। आगे है, नूर जहां का क्या अर्थ होता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिया गया, संसार में इसका कोई जोड़ा नहीं, बी में है बंधनहीन व्यक्ति, जैन धर्म से है, और एक और बंधन उत्पन्न होना, या फिर पूज्य श्रेष्ठ होगा। तो इसका अर्थ होता है संसार में इसका कोई जोड़ा नहीं, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। कैवल्य का क्या अर्थ होता है? तो कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, बौद्ध धर्म से है, ज्ञान की प्राप्ति जैन धर्म से, पूज्य या श्रेष्ठ जैन धर्म से है, या डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति। राहुल का अर्थ क्या होता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है, ए में है एक और बंधन उत्पन्न होना, बी में है बेहिसाब धर्म, और सी में है बंधनहीन व्यक्ति, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट, एक और बंधन उत्पन्न होना, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका
मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोदय का क्या अर्थ होता है? सर्वोदय का क्या अर्थ होता है? तो इसमें चार ऑप्शन है, सर्वाधिक उत्थान, बी में प्रगति विकास, सी में समुद्री राक्षस और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वाधिक उत्थान। सर्वाधिक उत्थान का अर्थ होता है गरीबों का अधिक से अधिक विकास हो सके। मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।